कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर केंद्र सरकार के आंकड़ों की माने तो सरकार ने लॉकडाउन के कारण कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को पहले फेज में रोकने में वो कामयाब रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से यानी कि अलग अलग फेज में हटाया जाएगा। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होता है तो लोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरी नीतियां बनानी होगी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा लाखों की संख्या में लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाएंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि आप सभी अपने प्रदेशों में लॉकडाउन कैसे हटाया जाए इस पर अपने राज्यों की स्थिति के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजे। सूत्रों की माने तो राज्यों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स के आधार पर और केंद्रीय मंत्रियों के डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसएसपी की फीडबैक के आधार पर केंद्र सरकार लॉकडाउन को हटाने की रणनीति तैयार करेगी। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन को एक ही फेज में खोला जाएगा, लेकिन सभी राज्यों में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित हो चुके इलाके वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सभी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से बंद ही रखा जाएगा, लेकिन कोई लॉकडाउन होने के कारण किसी दूसरे राज्य में फंस गया हो तो उसे विशेष परिस्थिति में कारण बताने पर ही अपने राज्य में जाने के लिए मिलेगा, वो भी कोरोना टेस्ट कराने के बाद। सभी प्रकार के प्राइवेट यातायात माध्यम बंद रखे जाएंगे, इसमें बस सर्विस, टैक्सी, ऑटो सभी शामिल है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित गाड़ियां ही चलेंगी। रेल सेवाओं और हवाई सेवाओं को 30 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। हालात सुधरने पर चरणबद्ध तरीके से सेवाएं शुरू होगी। सभी राज्य सरकारें अपने सरकारी संस्थानों और प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वालों को रोस्टर के अनुसार काम का आदेश दे सकती है। सभी राज्य सरकारों को इस सप्ताह के अंत तक लॉकडाउन हटाने पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेज देगी और ये भी बताएगी कि उनकी सरकार की क्या रणनीति